संसार भर के लोगों की जरूरत के लिए सब कुछ है संसार में, ईश्वर ने दे रखा है, लेकिन लालच पूरा करने के लिए नहीं है। लालच पूरा करने के लिए नहीं है। कुछ लोग इसलिए इकट्ठा करते हैं, अपने पास रखते हैं, इसलिए कुछ लोग गरीब रहते हैं। अगर लालच नहीं होते इस दुनिया में कोई कंगाल होते? अरे बताओ ना। कुछ लोगों ने बहुत सारे लोगों का हिसाब ही इकट्ठा करके रखा है, इसलिए क्या होता है, कुछ लोगों के पास कुछ नहीं होता है, कुछ लोगों के पास बहुत सारे चीज़ होता है, इसलिए ऊंच नीच होता है, और वो क्या बोलता है, इतना डिस्पैरिटी होता है, इतना डिफरेंस होता है, जिसके वजह से लोग बहुत सारे आतंक और इस प्रकार की बात चलता रहता है। बोले हल्लेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा तुम्हारे ग्रीड को, तुम्हारे लालच को, तुम्हारे लालसाओं को पूरा करने के लिए दुनिया में उचित चीज़ नहीं है, लेकिन सबकी ज़रूरत के लिए उचित मात्रा में ईश्वर सब कुछ दे रखा है। बोलिए आमीन, दिल से बोलिए आमीन, हालेलुया। इसलिए अपने लिए संपत्ति को इकट्ठा ना करो, प्रभु कहता है। प्रभु लूकस का अध्याय 12 उसका 13 से 21 तक एक आदमी के बारे कहते हैं जो बहुत धनी था, पर वो बहुत मूर्ख धनी कहलाया जाता है। उसके खेत में बहुत सारा फसल आ गया, उसने इकट्ठा कर दिया और उसके जो गोडाउन है उसको तोड़कर और नया बनाया, पूरा भर दिया, और अपने आत्मा से कहा, हे आत्मा अभी ऐश करो, आराम करो, तेरे लिए जिंदगी भर के लिए माल इकट्ठा हो गया। पर उस रात को क्या हो गया, टिंग 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 घंटी बज गई। हेलो, किसकी घंटी? हाँ, यमराज प्रभु की मृत्यु की घंटी बज गई। उसमें क्या कहा, आज रात को। परंतु ईश्वर ने उससे कहा, मूर्ख, हाँ देखो कितना बढ़िया शब्द इस्तेमाल किया, मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिया जाएंगे, और तूने जो इकट्ठा किया है वह अब किसका होगा, वह अब किसका होगा। यही दशा होगी, यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए तो धन एकत्र करता है किंतु ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ईश्वर की दृष्टि में धनी होना बहुत जरूरी है, प्यारे भाई और बहनों। इसलिए हम जकेउस के कहानी पढ़ते हैं, लूकस अध्याय 19, लूकस अध्याय 19 एक से 10 तक जकेउस के बारे पढ़ते हैं। जकेउस कौन था? नाकेदारों में प्रमुख, बहुत धनी था और कद का छोटा था, नाटा था, और वो यीशु को देखना चाहा, वो क्राउड में गया, नहीं मिल पाया, फिर दौड़ा उस रास्ते में जिस रास्ते में यीशु चल रहा था, पेड़ में चढ़ा, वहाँ पर यीशु उसके पास आ रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, तेरे घर में रहना चाहता हूँ। जब वो चके उस यीशु को अपने घर में पाया तो क्या करते हैं, 8वां वचन कहते हैं, 19:8 में लिखा है, वह दृढ़तापूर्वक खड़ा हो गया और प्रभु से कहा, सभी से कहा, मैं अपने संपत्ति का आधा हिस्सा गरीबों को देता हूँ, और जिन जिन से मैंने बेईमानी करके इकट्ठा किया 4 गुना लौटा देता हूँ। और 9वां वचन में क्या लिखा है, ध्यान से सुनना है, प्रभु कहता है आज इस परिवार में मुक्ति का आगमन हुआ है, टुडे द सल्वेशन हैज कम इनटू दिस हाउस, हालेलुया। आपका और मेरे जीवन में मुक्ति का आगमन होगा जब हम अपने संपत्ति प्रभु की इच्छा के अनुसार उसका इस्तेमाल करना शुरू करेगा, तो चाहे आपके पास कुछ भी नहीं है, जो है ना उसी से करना शुरू करो। कुछ लोग सोचते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरा एक भाई था, अभी तो नहीं है, वो अपने दाढ़ी से कुछ नहीं हुआ करता था, वो बोलते मेरे को 10,000 दे दो, मैं कोई कारोबार शुरू करूंगा, उसके बाद दारू छोड़ूंगा। हाँ, अब 400 रुपया रोज तुम्हें मिल रहा है उससे, अरे उससे क्या करना है, दारू पीने के लिए भी नहीं मिलता है, दारू छोड़ूंगा तब जब तुम मेरे को 10,000 दे, मैं कोई दुकान शुरू कर लेता। कुछ लोग ऐसे बोलते, ए फादर लोग मेरी मदद नहीं करते, कलीसिया मेरी मदद नहीं करते, अगर आप मेरी मदद कर लेते मैं दूसरे दिन से ये सारा दारू वारू छोड़ देता है। वो कभी छोड़ेगा? अरे बताओ ना। अरे तुम्हारे पास 1 रुपया जो है ना उसी में ईमानदार रह के दिखाओ, तुम्हारे लिए 1,000 प्रभु देगा। बोले हालेलुया। तुम 1 रुपया के लिए ईमानदार नहीं है, इसलिए तुम्हें 100 रुपया कैसे देगा, 1,000 का नोट कैसे देगा, ये तो प्रॉब्लम है। तुम बोलते मेरे पास 10 रुपया है तो मैं क्या करना, मैं आइसक्रीम खा लेता हूँ या बर्बाद कर लेता हूँ। अरे उसको सही तरीके से ढंग से इस्तेमाल करो। इसलिए प्रभु अशरफियों का दृष्टांत बताता है। अशरफियों का दृष्टांत में अध्याय 19:12 से 26 में पढ़ते हैं। अशरफियों का दृष्टांत,
कई सेवकों को प्रभु बुलाता है, एक को दस, एक को पाँच, एक को एक देता है, दस जो मिल गया और बिजनेस करके दस कमाया, पाँच जो जिनको मिल गया और पाँच कमाया, जिनके पास एक दिया गया था उसने क्या किया, गड्ढा खोद कर उसमें डाल दिया। बोले आमीन, बोले हल्लेलुया। हम में से अनेक लोग ऐसा है जिनके पास एक मिला, जैसे जो हमारे पास मिलता है उसका सही तरीके से काम नहीं चलाता है, इसलिए कंगाल रहते हो। ईश्वर किसी को भी कंगाल रहना नहीं देता हमारे वजह से, क्योंकि हम प्रभु के हाथ से सही ढंग से धन्यवाद के साथ नहीं लेता है। हम जो एक मिलता है कुछ नहीं रहता, सब सबको पांच मिला, उसको चार मिला, मेरे को एक मिला, मैं क्या करूं, दुखी रहता है लोग। बोले हालेलुया, हालेलुया। आवाज सबकी नहीं आ रही, हालेलुया। आपका एक फर्ज है कि आपके पड़ोसी जिंदा है और सुन रहा है, इसके लिए उसका शोल्डर को थोड़ा हिला देना ताकि पता चले कि वो मतलब जाग रहे हैं। बोले हालेलुया, हाँ जाग रहे हैं क्या, बोले हालेलुया, हालेलुया, दिल से बोलिए हालेलुया। आपके पास पैसा क्यों दिया बताएं, आप केवल केयर टेकर है, कुछ पल के लिए आपको उसी से चलाने के लिए दिया गया है, हमेशा के लिए है क्या बताओ, अरे बताओ ना। चाहे अमीर हो गरीब हो, 6 फुट से ज्यादा मिलेगा जमीन, नहीं मिलेगा। मैंने कई लोगों का दफन किया है, फादर हूं ना, मैंने देखा गड्ढा उतना ही होता है, 1 इंच भी बढ़ा कर नहीं मिलेगा, 1 इंच भी फालतू नहीं मिलेगा। ओ मैं तो बड़ा घर का बंदा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए आपको मैं बताना चाहूंगा प्यारे भाई और बहनों, केवल केयर टेकर है आप, बस मात्र कुछ समय के लिए आपके हाथ में दिया गया है। आप क्यों इसलिए यू होता है, आप ज्यादा छोटा होने की भी जरूरत नहीं, ज्यादा चौड़ा करने का भी जरूरत नहीं, वैसे के वैसे रहो, बराबर रहो, आपके लिए वह उचित होगा। बोले हल्लेलुया, दिल से बोले हल्लेलुया। तो ईश्वर के नजर में धनी जबकि उस, तो ईश्वर के नजर में धनी बन गया, पहले वो संसार के नजरों में धनी था, अब संसार के नजरों में खाली हो गया, कंगाल हो गया, अब वो ईश्वर के नजरों में धनी हो गया। बोले हल्लेलुया। इसलिए एक धनी युवक यीशु के पास आया, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना, उसने पूछा, मैं तो सारे नियमों का पालन करता हूँ। प्रभु ने उससे देखा और बोला कि जाकर क्या है, तुम्हारे सारे संपत्ति को बेच लो और गरीबों को बांटो और उसके बाद आकर मेरा अनुसरण करो, तब तुम्हें स्वर्ग में पूंजी रखी जाएगी। मत्ती 19:21 में पढ़ते हैं। वो बहुत दुखी हो गया, उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। बोले हालेलुया, क्योंकि उसके लिए उसका संपत्ति सब कुछ था, संपत्ति से मतलब अलग होना नहीं चाहता था, संपत्ति को अपने प्राण से ज्यादा प्यार करेगा तो क्या होगा, यही होगा। बोले हल्लेलुया। इसलिए चौंकाने वाली बात आगे बढ़ता है, 23 से लेकर हम पढ़ते हैं, 19:23 से लेकर, प्रभु कहता है धनी को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है, ये अच्छा है कि कोई ऊंट को सुई की नाक से गुजरकर चलने से अच्छा है कि धनी स्वर्ग राज्य में प्रवेश करे। शिष्यों को भी टेंशन आया, शिष्यों ने पूछा ऐसे में कौन स्वर्ग राज्य प्रवेश करेगा, प्रभु कहता है जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। मैंने पहले से आपको कहा ना, धन होना गलत नहीं है, लेकिन धन को ईश्वर मानेगा वो गलत है। इसलिए आपके पास धन इसलिए दिया गया, आप उसको बांटे, उसके इस्तेमाल करें। यू स्टार्ट शेयरिंग योर वेरी लिटिल थिंग्स, अगर दो है तो एक को दूसरे के साथ बांटना शुरू करो। जो शुरुआती कलीसिया में, प्रथम कलीसिया में यही था, हम लोग देखते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 4:32-35 में बहुत सुंदर चीज रखा है, पैसा से क्या करना है प्रभु हमें दिखाता है। जो आदि कलीसिया में जब प्रेरितों के अगुवाई में शिष्य लोग विश्वास में आने लगा, उन्होंने क्या किया, मैं पढ़कर बताना चाहूँगा। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स 4:32, प्रेरित चरित्र अध्याय 4:32-35, विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक मां एक प्राण था, कोई भी अपनी संपत्ति अपने ही नहीं समझता था, जो कुछ उनके पास था उसमें सबों को सांझा था। बोले हालेलुया, कोई भी संपत्ति अपना नहीं समझता था। हाँ ये तो सोचना थोड़ा मुश्किल है,
एक नल से पानी लेने के लिए भी लड़ता है, तेरा मेरा। हमारे इलाके में पेड़ और मेड़ के बीच में टेंशन होता है, मेड़ पर जाके पेड़ लगाते हैं और पेड़ तो अपने मर्जी से इधर को जाता है उधर को जाता है और फिर तलवार लेके खड़े हो जाता है, तेरा मेरा। बोले हालेलुया। एक नल से पानी पीने के लिए दिक्कत होते हैं तो क्या है, प्रभु का वचन कहता है कोई भी अपनी संपत्ति अपने ही नहीं समझता था। अगर आपको स्वर्ग में प्रवेश करना है तो यही मनोभाव को अपनाना होगा, मेरे पास जो है वो मेरे लिए नहीं है, मेरे भाई बहनों के लिए है, ये समझना चाहिए। बोले हल्लेलुया। अब पड़ोसी के बारे छोड़ो, अपने ही सके भाई बहनों के साथ, माता पिता के साथ भी बंटवारा करते हैं। मैं बहुतों को देखता हूं, हमको कई स्टेट में रहने का मौका मिला है हमारे भारत देश का, यही देखता है माता पिता का भी हाय हाय हाय, ये मेरा हिस्सा है, ये तेरा हिस्सा है, ये उसका हिस्सा है, ये क्या यार कैसे बांटते रहते हो, कुछ लेकर जाएगा हाँ। मैंने देखा है कि बेटे ने अच्छा घर बनाया, मम्मी पापा झोपड़ी में, कहाँ जाओगे, जाएगा कहाँ। बोले हालेलुया। आप बाइबल की बातों को तोड़ता है, मुझे कुछ पता नहीं है, ईश्वर यही नहीं चाहता। प्रभु क्या कहता है 34 और 35 में कहता है, उनमें कोई कंगाल नहीं था। हमारे बीच में, हमारे पल्ली में कोई कंगाल है तो उसका जिम्मेवार आप और हम हैं, याद रखिएगा। उनके बीच में कोई कंगाल नहीं था क्योंकि जिनके पास खेत या मकान थे वे उन्हें बेच देते और कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित करते थे, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार बांटा जाता था। बोले हल्लेलुया। सीखना है तो सीखो, बाइबल यही सिखाते हैं, स्वर्ग राज्य ऐसा होगा। हेलो, स्वर्ग राज्य ऐसा होगा। कुछ लोगों को टेंशन हो रहा है, फादर बोलते जा रहे मैं कुछ नहीं दूंगा, एक टुकड़ा भी दूंगा नहीं, है ना, सूद लेकर खड़े हो जाते हैं। हाँ, पत्थर कहाँ, इधर लगा, इधर लगा, इधर लगा। एक रात को मेरे को जाना पड़ा, पिछले दिन मेरे पल्ली में भाई भाई के बीच में झगड़ा, फोन आया, फादर जी जल्दी आओ नहीं तो खून खराबा हो जाएगा। हम दोनों फादर लोग गाड़ी लेके भाग के पहुंच गया। एक बहन बोल रहे मैं शेरनी हूँ, मैं उस दिन से उसको नाम बुलाता है शेरनी, शेरनी बहन, ऐसे बोल के मैं शेरनी हूँ। बात क्या है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया कुछ, मैंने कहा, मैंने को उनके बीच में घुटना ठेकना पड़ा, बाप रे बाप, कोई सुनता नहीं है ना, एक टुकड़ा जमीन के लिए, और कौन, भाई भाई, दोस्त पड़ोसी भी नहीं है, भाई भाई है, यही होता रहता है। याद रखिए, कुछ भी लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि प्रभु का वचन, इसलिए याकूब का पत्र अध्याय 4:4 में लिखा है, जब तुम प्रार्थना भी करते हो अपने लालसाओं को पूरा करने के लिए धन की प्रार्थना करते हो, इसलिए तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। ये एक खत्म होने वाली बात है, वो खत्म ही हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं आएगा, इसलिए जो लास्टिंग है वो ईश्वर है, उसी पर अपना भरोसा रखिएगा। बोले हालेलुया। इसलिए पूरे बाइबल में गरीबों के प्रति प्रभु का ज्यादा प्यार है, और गरीब बनकर संसार में आया है, उसके लिए सिर रखने के लिए कुछ नहीं था, उनके लिए जन्म लेने के लिए कुछ नहीं था, उनको भोजन करने के लिए कुछ नहीं था, उनको ठहरने के लिए कुछ नहीं था, किसी के घर में वो रहता था, लास्ट में उसको कब्र भी किसी का मिल गया है, अपना कुछ नहीं रहा, अपना कुछ नहीं रहा। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने यही तरीका सिखाया है प्यारे भाई और बहनों। हम किससे सीखे, इसलिए प्रभु कहते हैं मुझसे सीखो, मुझसे सीखो। प्रभु ने हमेशा धनियों को खाली लौटाया, दरिद्रों को संपन्न किया है। माता मरियम भी अपने स्तुतिगान में कहते हैं, लूकस 1:53 में प्रभु का वचन कहता है, इसलिए इसका दुरुपयोग ना करिएगा बल्कि सदुपयोग करने का कष्ट कीजिएगा, और जल्दी धनी बनने के कोशिश ना कीजिएगा। स्तुति ग्रंथ 28:20 में प्रभु का वचन कहते हैं, जल्दी धनी बनने के लिए गलत रास्ते का इस्तेमाल ना कीजिएगा। बोले हालेलुया। और सूक्ति ग्रंथ 20:17 में लिखा है, 20:17 में लिखा है, जूट की कमाई पहले मीठी लगेगी, बाद में मुंह में कंकड़ जैसा भर जाएंगे। बोले हल्लेलुया।
आप इकट्ठा करते हैं धन आपको मीठा लगेगा लेकिन बाद में आपको दुखी करेगा। बोले हल्लेलुया। प्रवक्ता 5:10 में प्रभु का वचन कहता है, प्रवक्ता 5:10 में, पाप की कमाई पर भरोसा मत रखो, विपत्ति के दिन इससे कोई लाभ नहीं होगा। जब आप इकट्ठा करेगा किसी भी तरीके से ना, उसी से एक रुपया भी आपका काम नहीं आएगा। आप झूठ बोल के, धोखा दे के, चोरी करके, कैसा भी करके पैसा इकट्ठा करेगा, वो पैसा से एक रुपया भी आपका काम नहीं आएगा, बर्बाद हो जाएगा। याद रखिएगा। बोलिए हालेलुया। और 30 सिक्का यूदास ने जो इकट्ठा किया उसका कोई काम आया बताइए? जो जितना भी अपन दुनिया में फिल्म देखते हैं, बैंक का चोरी करने के लिए जाते हैं, एक का भी इस्तेमाल हो सकता है? फिल्मों में भी नहीं है। आपस में लड़ता है, पुलिस पकड़ता है, आखिरी में एक रुपया भी किसी भी एक का काम का नहीं आता है। बोले हालेलुया। चोरी करने से पहले क्या क्या सोचा था, क्या क्या सपना देखा था, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन चोरी करने के बाद वो आपका कोई काम में आया? कभी नहीं। इसलिए ध्यान रखिएगा। बोलिए हालेलुया। इसलिए संपत्ति से क्या करना है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक एक करके ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपके पास कुछ है उससे दान करना शुरू करो, दानशीलता शुरू करो, दान करो। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3:33-34 में लिखा है, दान करने से क्या है, आपके अनेक पाप मिट जाएगा। बोलिए हालेलुया। दानशीलता शुरू करो। प्रवक्ता ग्रंथ 40:17 में भी यही लिखा है, दान करने से आपको प्रभु की आशीष मिलेगी। बोलिए आमीन। अनाथों को, गरीबों को, बीमारों को, इन सबकी मदद करो। कभी कुछ लोग एक गिलास पानी भी नहीं देता अपने पड़ोसी तक, पर आप क्या करेंगे सब देख रखे। जो देना शुरू करेगा ना आपको मिलेगा भी, यही तो बात है। हिला हिला कर, दबा दबा कर, ऊपर उठी हुई, भरी हुई, पूरी की पूरी तुम्हारी गोद में डाल दी जाएगी। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इसलिए दे दो ना, दो तुम्हें दिया जाएगा। लूकस 6:37, दो तुम्हें दिया जाएगा, दे दो फिर मिलेगा आपको। कैसे देना है, वचन कहता उदारता से प्रभु को देना शुरू करो और दशमांश देना शुरू करो। पिछले दिन हम लोग पैसा गिनती कर रहा था, है ना, साधना हुआ पैसा गिनती करने के लिए। मेरे साथ एक दो बच्चे और आए और उसने पूछा, फादर जी केवल 10-10 रुपया का नोट है, ये कैसे क्यों, वो भी फटा पुराना खराब सारे। मैंने कहा 10 रुपया के विरुद्ध कुछ नहीं बोलना, क्यों, सबसे ज़्यादा चर्चाने वाला बंदा है, बाकी 500 और 1000 वगैरह कभी कभी आता है, कभी ना आता भी नहीं है, जो रेगुलर आता है वो 10 रुपया है, उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलने का। चाहे फटा हो, पुराना हो, खराब हो, वो रेगुलर चर्चाता है, उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलना। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ध्यान से प्रभु का वचन क्या कहता है, प्रवक्ता ग्रंथ, वचन खोलो, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35:10-15 तक बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ गॉड है, जल्दी से पढ़िए। उदारता पूर्वक प्रभु की स्तुति करते रहो, प्रथम फलों के चढ़ावे में कमी मत करो, प्रथम फलों के चढ़ावे में कमी मत करो, प्रसन्न मुख होकर दान चढ़ाया करो और खुशी से दशमांश दो दो। प्रसन्न मुख होकर देना, कुछ लोग अरे क्या करे मेरे से 100 रुपया गया, अरे भाई। हमारे इलाके में एक भाई था, चंदा लेने के लिए जाता था, किसी एक के पास जाके रुकना पड़ता था, क्यों, वो 50 का नोट डालेगा और 5 रुपया के 5 रुपया डालेंगे पर 45 रुपया चुन चुन के वापस ले लेगा, और उनके पास रुकना पड़ता था। और ये लोग जो गिनती करने वाला आके कमेंट बोलता था, अरे उनके पास जाएगा वो 5 रुपया क्यों नहीं लेकर आते, हमेशा 50 का नोट डालेगा और 45 रुपया चुन चुन के वापस ले लेगा। देखो कैसे कैसे लोग रहता है, लेकिन प्रभु कहते खुशी से देना, मुंह ऐसा करके नहीं देना, प्रसन्न मुख होकर देना प्रभु को और उदारता से देना। आगे क्या लिखा है, जिस प्रकार सर्वोच्च प्रभु ने तुम्हें दिया है उसी प्रकार तुम भी उसे सामर्थ्य के अनुसार उदारता पूर्वक दो। जिस प्रकार आपको दिया उस प्रकार दे दो, आपको कोई मजबूर नहीं किया जा रहा है, मजबूरी नहीं कर रहा है आपका,
इतना देना उतना देना, पर जिस प्रकार ईश्वर ने आपको दिया है, बहुत दिया है बहुत दे दो, थोड़ा दिया है फिर भी बहुत दे दो, क्यों? उस विधवा के जैसा देना है। लूकास अध्याय 21 में पढ़ते हैं, वो तो विधवा ने, उनके पास दो अथेले था, उनके जीविका के लिए सब कुछ था, उसने वो भंडार में डाल दिया। प्रभु ने उसके बारे लिखा है, बताया है, अनेकों ने डाला बहुत सारे, लेकिन किसी का भी नाम नहीं बताया, उस विधवा के बारे लिखा है। बोले हल्लेलुया, क्योंकि प्रभु प्रतिदान करता है। अध्याय 35 का 13 में लिखा है, प्रवक्ता अध्याय 35:13 में, क्योंकि प्रभु प्रतिदान करता है वह तुम्हें 7 गुना लौटाएगा। प्रभु को कुछ भी नहीं चाहिए आपका और मेरा, कि हमारे पास ऐसा कुछ है जो प्रभु ने नहीं दिया गया, बताओ ना। पहला कुरिन्थियों 4:7 में लिखा है, तुम्हारे पास क्या है जो प्रभु ने नहीं दिया गया है, सब कुछ प्रभु का दान है, तो वह प्रभु आपको प्रतिदान भी देगा। 1 रुपया देगा तो 7 रुपया देगा, प्रभु कह रहा है। आप 100 रुपया देगा आपको 70 रुपया वापस मिलेगा, फिर लाभ नहीं है क्या, बताओ। मैं शुरुआत में इसलिए बोला, कुछ लाभ की बात बता रहा हूँ, हिसाब की बात बता रहा हूँ। जिनको मन है प्रभु का वचन पढ़ो, फादर थॉमस ने थोड़ी बोला है, वचन में लिखा है प्रभु प्रतिदान करता है वह तुम्हें 7 गुना लौटाएगा। जब सुसमाचार में आया तो प्रभु ने और बढ़ाया, भाई 1 गिलास पानी देगा तो कितना मिलेगा वापस, 1 गिलास पानी के बदले में कितना वापस मिलेगा, 100 गुना। तो फायदा हो गया नहीं हो गया, इतना कोई बैंक वाला देगा क्या, अरे बताओ ना। फिर क्यों कंजूसी दिखाते हैं, स्तुति करने के लिए भी कंजूसी दिखाते हैं। हल्लेलुया, उतारता पूर्वक स्तुति करो, अभी भी नहीं, हाथ भी नहीं उठाया, ये तो उतारता नहीं दिखाया। बोले हल्लेलुया, कुछ लोगों को इतना उतारता है, हाँ इतना ही उठेगा, अरे पूरा हाथ हल्लेलुया। उसे घूस मत दो, वह उसे स्वीकार नहीं करता, पाप की कमाई के चढ़ावे पर भरोसा मत रखो, क्योंकि प्रभु वह न्यायाधीश है जो पक्षपात नहीं करता। बोले हल्लेलुया। मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3:8-11 में पढ़ते हैं, क्या तुम ईश्वर को ढग सकते हैं, फिर भी तुम मुझको ढग रहे हो, तुम फिर पूछोगे हम किस प्रकार तुझे ढग रहे हैं, तुम दशमांश और भेड़ों को भेंटों में मुझे ढग रहे हो, तुम पर हाँ तुम्हारे सारे राष्ट्र पर शाप लगा है क्योंकि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम पूरा दशमांश और भेंटें भंडार के पास ले आओ जिससे मेरे घर में भोजन रहे, विश्व मंडल का प्रभु ये कहता है, इसमें मुझे परख लो, मैं अपने बादलों को आज्ञा दूंगा और तुम पर भरपूर वर्षा की आशीष प्रदान करूंगा, मैं तुम्हारे लिए टिड्डियों को भी कड़ी आज्ञा दूंगा कि वे तुम्हारी भूमि का उपज नष्ट ना करें जिससे दागबारियों की दाखलताएं अच्छे फल देती रहे। हालेलुया। प्रभु का वचन मैंने आपको कहा ना, यसकेल का अध्याय 36:29-30 में लिखा है, अगर तुम प्रभु की सारी आज्ञाओं का पालन करोगे वह तुम्हारा अन्न को बढ़ाएगा, तुम्हारे वृक्ष के फल को और उपजाऊ बनाएंगे। बोलिए हालेलुया। ये प्रभु की वादा है, ये प्रभु की वादा है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, परख कर देखो ईश्वर क्या करता है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9:6-7 में पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9:6-7 में पढ़ते क्या है, जो कुछ भी आप करें प्रसन्नता पूर्वक करें, गॉड लव्स ए चीयरफुल गिवर, उदारता पूर्वक करे और खुशी से करे। बोले हल्लेलुया, हल्लेलुया। सुसमाचार के प्रचार के लिए देना शुरू करो प्यारे भाई और बहनों, सुसमाचार का प्रचार के लिए दान चढ़ाओ, चाहे चर्च में हो चाहे सुसमाचार का प्रचारकों के लिए हो। संत पौलुस से ही कहता आया, आपको दान देना है, गरीबों की मदद करना है और चर्च में देना है, प्रभु के कार्यों के लिए देना है। आप देकर देखो ना प्रभु आपके लिए क्या करता है। कुछ लोग बोलते हैं फादर लोग अपने जेब में डालते होंगे, कोई बात नहीं, लेने वाला क्या करते हैं, आप क्या टेंशन क्या है। आप ऐसा या तो किसी आप गरीब को कुछ दे पाएंगे, बताओ, अरे मांगने वाला बहुत है। हम लोग सोचते हैं इसको मैं नहीं दूंगा क्योंकि ये साके शायद दारू पिएगा। आप क्यों टेंशन लेते हैं, आपको देना है। अगर ऐसा मना करना शुरू करे, कभी किसी को 1 रुपया भी आप नहीं देगा, आप दे दो ना, आप दे दो, आपको प्रभु देगा वापस। हालेलुया। मैं अपने बढ़ावा के लिए नहीं कह रहा हूँ, एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। पिछले दिन हम इंदौर जा रहा था, मैं तो दिल्ली रेलवे स्टेशन में आया,
मैं और मेरे साथ म्यूजिशियन गुडविल था, हम मैं ऊपर चढ़ गया तो मैं जाने शुरू किया। एक पति पत्नी है, करीब 50-60 साल के होंगे, गरीब परिवार के हैं। उन्होंने मेरे को, मैं तो उधर लगेज रखा थोड़ा, मेरे साथ कीबोर्ड भी था, तो मैं तो थक गया चढ़ के, सीढ़ी चढ़ के, तो मैं रखा तो इन्होंने आके मेरे को बोला हम सारा चोरी हो गया, हमें तो घर जाने के लिए 380 रुपया की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं बोला उसने। अब मैंने पूछा कहाँ से क्या है कैसे हुआ, फिर मैंने सोचा, रात 10 बज रहा था, मैंने सोचा एक माताजी और उसका हस्बैंड है, मैंने सोचा चाहे मेरे को धोखा भी दे रहे क्यों ना हो, मैंने उनको कुछ पैसा लेकर दिया और थोड़ा एक्स्ट्रा भी दिया, मैंने कहा ये आपका दोनों का किराया है, फिर चाय के लिए भी पैसा है करके मैं दे कर चला गया। और मैंने सोचा जो भी है प्रभु के लिए किया। और मैं जब इंदौर गया, घर घर विजिट कर रहा था, एक दिन मैं घर गया तो मेरे पास कुछ लोगों ने पैसा दिया, मैं वापस आके देखा 2700 रुपया मेरे हाथ में आया दूसरा दिन। बोले हालेलुया, प्रभु ने लौटाया नहीं लौटाया बताओ, अरे बताओ ना, मैंने प्रभु को ले दिया, प्रभु ने वापस दिया नहीं दिया, 7 गुना से भी बढ़कर दिया। प्रभु का वचन पूरा होता है, आप करके देखना, सच्चे दिल से करना पड़ेगा प्रभु के लिए। बोलिए आमीन। इन बातों को याद रखिएगा, जब किसी से उधार लेते हैं ना, वापस करने के लिए भी याद रखना। हेलो, उधार लेने के टाइम तो कितनी मीठी मीठी बोलते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं ना। चोरी करने का बराबर है, अगर उधार लिया पैसा वापस नहीं लौटाया, आपने चोरी किया है, आपको भुगताना पड़ेगा। इसलिए याद रखिएगा, आपके पास जो भी है उसका सदुपयोग कीजिएगा। और हमेशा याद रखिए, ईश्वर को सर्वप्रथम स्थान दीजिए और संपत्ति को नहीं। नौकरी के वजह से कभी ईश्वर के दिन को अपवित्र ना कीजिएगा। किसी भी बात के लिए, नौकरी के कारण मैं प्रार्थना में नहीं जा सकता, मैं चर्च नहीं जा सकता, मैं रिट्रीट में जा नहीं सकता, ऐसी बात भी नहीं कहना, क्योंकि नौकरी देने वाला इससे, नौकरी से भी बढ़कर है। बोलिए आमीन, हालेलुया। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।